दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल माइनिंग द अर्थ वेल्थ में। जैसे कि आज होली है, आप सबको होली की ढेरों शुभकामना मेरी ओर से। मैं तो ये चाहता हूँ कि लक्ष्मी माता सदैव आप घर में निवास करें, आपका जो व्यापार है बढ़िया चले, आप धन दौलत से समृद्ध रहें और सभी प्रकार के आप संसारिक सारी खुशी आपको मिले। और आज का हमारा छोटा सा ये टॉपिक है, ये क्या रहने वाला है, मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे बताया था कि भैया ग्रेनेड के ऊपर आप वीडियो डालो, ग्रेनेड ब्लॉक्स के ऊपर, ताकि अपन उसके अंदर माइंस पे जाते हैं तो पानी क्यों डालते हैं उसके अंदर। तो वो मैं आज माइंस पे ना जाकर मैं आपको फैक्ट्री के अंदर बताऊंगा, जैसे एक स्लैब हमारे पास पड़े रहते हैं, इन स्लैब के माध्यम से मैं बताऊंगा पानी डालने से क्या होगा और नहीं डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलो अपन मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये ग्रेनेड का एक छोटा सा स्लैब पड़ा, सैंपल स्लैब। अब अपन इसके आपको कुछ भी दिख रहा है पीछे से एकदम फीका फीका, तो ये क्यों है? तो माइंस से जब अपन ये अपन ब्लॉक लेने गए, तो माइंस से सबसे पहले ऐसा ब्लॉक पड़ा रहता है। अब अपन उसके ऊपर पानी डालेंगे, जैसे मैं पानी डाल के बता रहा हूँ आपको। इससे क्या है दोस्तों कि अपने इसका जो ओरिजिनल कलर है उसका पता चल जाएगा कि इसका ये ओरिजिनल कलर रहने वाला है। ये इस वाले ब्लॉक का या आप सैंपल स्लैब दे दीजिए, तो सबसे पहले माइंस से ब्लॉक ही निकलता है, उसके बाद इसका स्लैब बनता है। और इसके बाद में जब माइंस से आता है, फैक्ट्री में आता है, और जिसमें जब इसकी चिराई होती है, उसके बाद का वीडियो ऑटो पॉलिश लाइन पॉलिश करने के बाद ये कलर आता है, और ये इसका ओरिजिनल कलर देखने के लिए। तो मोटा मोटी अपने को आइडिया लग जाता है कि अपना पैटर्न किस प्रकार रहने वाला है, किसी भी माइंस से ब्लॉक मार्किंग करने जाते हैं उसके लिए। तो मुझे उम्मीद है भाई मेरे सब्सक्राइबर जो है उनको ये समझ आ गया और वीडियो, और अगर आपको भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। धन्यवाद।